भीष्म जी देखते हैं, भगवान इशारा करते हैं इनको जरा उपदेश दीजिए। तो भीष्म जी उपदेश प्रदान कर रहे हैं। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सह स्त्री धर्मान भगवान धर्मान समासाव्यासयोगतः। आज भीष्म पितामह धर्मों का उपदेश दे रहे हैं। सर्वप्रथम कहते हैं दान धर्मान। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है दान धर्म। पितामह कहते हैं कि जीवन में मनुष्य को दान करने का स्वभाव अवश्य ही बनाना चाहिए। कुछ दान ऐसे हैं जो हर प्राणी को करना चाहिए। देखो सबसे बड़ा महत्व है कन्यादान का। कन्यादान हर पिता करते हैं। कहते हैं परम सौभाग्यशाली होता है वो पिता जो अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य को प्राप्त करता है। जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं वो पिता परम सौभाग्यशाली होता है। जिस व्यक्ति ने पुण्य किया है ऐसे पुण्यात्मा के घर में ही बेटी का जन्म होता है। हर किसी को बेटी का सुख नहीं मिल पाता। और अपनी कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य उस पिता को मिलता है जो परम पुण्यशाली होता है। कन्यादान का बहुत बड़ी महिमा है। गौदान का महिमा है। धनदान, अन्नदान, भूमिदान, ऐसे दान हर प्राणी को कर लेना चाहिए। प्यार से बोलो। भीष्म जी पहले नंबर में दान धर्मान दान के बारे में बताते हैं। उसके बाद राज धर्मान। एक राजा को कैसे रहना चाहिए? देखो राजा का धर्म अपने प्रजा का पालन करना है। राजा को ये ख्याल होना चाहिए उसके क्षेत्र के जितने प्रजागण हैं, वो कैसे अवस्था में हैं, उनको क्या चाहिए, कोई दुख तो नहीं, कुछ असुविधा तो नहीं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का पालन करता है उसी प्रकार एक राजा को अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा पिता तुल्य होता है। राज धर्मान। राजा के धर्म के बारे में बताया। मोक्ष धर्मान। मोक्ष धर्म के बारे में बताया।